नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम बैक टू मॉम की डायरी। हम सभी मदर्स को अक्सर ये चिंता रहती है कि बच्चे के लिए खाने में क्या बनाएं। हम हमेशा ऐसी रेसिपीज़ की तलाश में रहते हैं जो कि बनने में क्विक हो, कम समय में बने, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, और क्विक बनने के साथ साथ टेस्टी भी बने ताकि बच्चा जल्दी से खा ले बिना किसी नखरे किए। और टेस्टी होने के साथ साथ बच्चे की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी हो, सुपर हेल्दी फूड होना चाहिए। तो ऐसी ही एक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी पर्सनली ब्रेकफास्ट रेसिपी है। विवान के लिए मैं हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट उसको देती हूँ, काफ़ी उसका पेट भर जाता है और सुबह सुबह नाश्ते में उसको अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, टेस्टी है और हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं। और इस रेसिपी का नाम है इंस्टेंट इडली विद ग्राउंडनट चटनी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट इडली। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप चाहिए सूजी। 1 कप सूजी में हम ऐड करेंगे 1/2 कप दही। दही अगर खट्टी हो तो और अच्छा रहेगा। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं। 1 कप सूजी और 1/2 कप दही में आपकी 12 इडलियाँ बनके तैयार होंगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों का प्रपोर्शन एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने ऐड किया है 1/2 कप पानी और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक घोल बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये घोल बन गया है और इस तरीके का गाढ़ा ही हमें रखना है। स्वाद अनुसार नमक इसमें हम डाल देते हैं और ये घोल बनके तैयार है। इसे 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए हम छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद हम इसे हटा के देखेंगे और अगर हमें घोल थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लगे तो हम थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी इस तरीके की बिल्कुल गाढ़ी चाहिए, नॉन फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं इनो, ये जो नॉर्मल रेगुलर सैशे आता है, तो ये हम ऐड कर देंगे पूरा 1 सैशे। इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इतना कि पूरे घोल में अच्छे से बुलबुले उठ जाएं। अब मैंने इडली के जो सांचे हैं इन्हें ग्रीस कर लिया है और अब ये जो घोल है हम थोड़ा थोड़ा इन सांचों में डाल देंगे। सांचे को आपको पूरा भरना नहीं है, 3/4 तक आप भरिए, क्योंकि इडली फूलेगी तो वो बाहर भी आएगी और उसका साइज़ बढ़ेगा। थोड़ा सा हम इन्हें टैप कर देते हैं और अब इन्हें स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर में 1 लीटर पानी ऑलरेडी चढ़ा के रखा था मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें ये सारी प्लेट्स डालने के बाद कवर करके हम इसे हाई फ्लेम पे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट तक पका लेंगे और इडलियाँ तैयार हो जाएंगी। जब तक इडलियाँ पक रही थी तो मैंने मूंगफलियों को रोस्ट कर लिया है और उनका छिलका निकाल के उन्हें पीस के और नमक मिला के चटनी भी बना ली थी। और बाय द टाइम हमारी इडलियाँ सुपर सॉफ्ट रेडी हो गई हैं। तो इन्हें हम खाएंगे हमारी ग्राउंडनट चटनी के साथ। बच्चों को दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आई होप ये सिंपल सी ब्रेकफास्ट रेसिपी टेस्टी एंड हेल्दी आपको पसंद आई होगी। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।